नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप हमारी यूट्यूब चैनल एसआर अशोक नगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस पर आने वाले वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अशोक नगर में मिशन नगरोदय राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान स्थानीय माधव भवन में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में प्रकरण स्वीकृत कराने अथवा किस्त डालने के नाम पर नगर पालिका की वार्ड प्रभारियों द्वारा पैसे मांगे जाने की शिकायत आने पर खैर नहीं होगी। यह बात क्षेत्रीय विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हितग्राहियों लोगों के बीच मंच पर वार्ड प्रभारियों को बुलाकर सख्त लहजे में प्रभारियों से कही। उन्होंने हितग्राहियों से भी अपील की है कि वह प्रभारियों के नाम से आवास योजना की किस्त डाले जाने अथवा प्रकरण स्वीकृत कराए जाने के नाम पर पैसे मांगने वाले की पहचान कर लें और उन्हें बताएं, वह उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मिशन नगरोदय के तहत नगरीय निकाय के अंतर्गत हितग्राहियों को मिलने वाली योजनाओं के लाभ को लेकर शुक्रवार को कार्यक्रम रखा गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिंटो हॉल भोपाल से सीधे प्रसारण के माध्यम से किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार की योजना के बारे में हितग्राहियों को जानकारी दी गई एवं उनका लाभ लेने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम के दौरान एलईडी के माध्यम से मुख्यमंत्री के संबोधन का प्रसारण किया गया। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव, कलेक्टर अभय वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश रघुवंशी, नगरीय निकाय के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, भाजपा नेता, कार्यकर्ता, हितग्राही मौजूद रहे। इस दौरान विधायक द्वारा हितग्राही मूलक प्रधानमंत्री आवास योजना के 80 हितग्राहियों को एवं स्ट्रीट वेंडर को प्रमाण पत्र भी बांटे गए, वहीं बैंकर्स को भी सम्मानित किया गया। 11 नंबर वार्ड 3 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर 12 नंबर 5 और 6 नंबर 1 नंबर 14 तू कितने बार 2 नंबर और भी रह गए होंगे कुछ लोग 8 नंबर हर वार्ड में जे लोग आते हैं आपके पास सकल देख लो इनकी इनमें से कोई भी पैसा मांगे समझ रहे हो मुझे बताना आके जे लोग अगर पैसा मांगे इनके नाम से कोई और ले जाए तो हम दोषी लेंगे समझ गए और तुम भी दूसरे मत पहुंचा दे हम नहीं ले रहे बात से मंगवा रहे कोई भी पैसा मांग ले आए फोटू खेच लेना और तुम समझ लो अगर तुम में से जिसके वार्ड में कोई पैसे लेने गया तो मैं समझूंगा तुमने भेजा जे भी ध्यान रखना ठीक है कतई पैसा नहीं लेना तुमको 1 रुपया भी इसमें और तुम लोग बिल्कुल ध्यान रखो जे कतई बिल्कुल हम लोग गरीबों की मदद के लिए हैं जो आदमी पिछले छत नहीं है जिसके सर के ऊपर वो बेचारे जे बहने आज ये हमारी माँ हमारी बहन है जे अपनी भी माता बहने हैं तुम सब की बहने हैं अम्मा है घरवाले भी हैं कोई जा रहे हैं कोई के दरवाजे में कोई कमरा बनवा दो जा रही है क्या तुम में से एक भी जा रहे किसी की नहीं जा रही ना इसलिए नहीं जा रहे ईश्वर ने तुमको इतनी कृपा करी तुम्हारे पास पक्के मकान है और वो कितनी परेशान होगी किसी को शौक नहीं कि अपने घर की माता बहने या खुद तुम 10-10 चक्कर नगर पालिका में लगाए इसीलिए इतना उनकी तो अगर सरकार ने नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह ने उनके लिए सुविधा दी है तो बीच में कोई अड़ंगा नहीं आएगा पैसे अगर कोई किसी के बाहर भी पैसों की शिकायत मिली तो जिम्मेदार तुम हो गए जो मैं आज कह रहा हूँ ठीक है धन्यवाद जी।